रमन इशिता के घर में हो गया है झगड़ा। एक बार फिर इशिता के चेहरे पर गुस्सा और आंसू दोनों ही हैं, और कारण वही है शगुन। तुम्हें प्रॉब्लम है कि तुम्हारा बच्चा मेरे कॉम में है? ये मेरा बच्चा है एंड दिस इज माय प्रॉब्लम। दरअसल रमन शगुन को अपने घर ले आता है, जिसे देखकर इशिता के साथ सारे घर वाले गुस्सा हो जाते हैं। शगुन को भला बुरा कहने लग जाते हैं, तो फिर क्या था, शगुन भी भड़क जाती है और वो वहाँ से चले जाने की धमकी देती है। रमन घर वालों को सच्चाई बताता है कि शगुन सरोगेट मदर बनने वाली है, इशिता रमन का बच्चा उसके पेट में है। तो फिर क्या था, घर में बवाल और ज्यादा मच जाता है। बाहर में जाओ तुम और बाहर में जाए तुम्हारा परिवार। ये बच्चा मेरा है, रूही और आदि भी मेरे ही। रमन शगुन को रोकता रह गया, लेकिन शगुन ने एक न मानी और निकल गई वो रमन के घर से बाहर। और हाँ, जाते जाते धमकी भी देकर गई है कि वो देश छोड़कर चली जाएगी और अपने पेट में जो बच्चा है वो भी किसी को नहीं देगी। सैरगी जी के जो पेपर है ना, वो मेरे बॉयफ्रेंड के पास। रमन को सबसे झूठ बोला था, इसलिए उसने किसी को दिखाया नहीं। मैं तुम्हारी तरह कोई देवी नहीं हूँ शीता, दैट्स इट। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। प्लीज रमन, बहुत हो गया। पहले भी मैं ये शहर छोड़कर चले गए क्योंकि इनको मुझसे प्रॉब्लम थी, लेकिन नहीं, इस बार मैं ये देश छोड़कर चले जाऊंगी। लो, आ गया कहानी में ट्विस्ट। सुना है कि अब कहानी में लीप आएगा। बच्चे को जन्म देने के बाद शगुन की मौत हो जाएगी और फिर लौटेगी उसकी आत्मा। वो इशिता के शरीर में घुस जाएगी और परेशान करेगी इशिता और उसके घर वालों को। जिन जिन लोगों ने आज उसका अपमान किया है, उन सबको वो भूत बनकर परेशान करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।